सब्जेक्ट तो रिवील करना ठीक नहीं होगा। फिल्म का नाम आप जानते ही हैं, टकराव। तो नाम से ही जाहिर है कि दो हीरो हैं फिल्म में और मैं इसमें नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, सुशील सिंह जी भी नेगेटिव रोल कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो शब्द के अनुसार दो लोगों का ही टकराव होगा, हीरो वर्सेस विलेन कह लीजिए। और ये एक लव स्टोरी है। कुछ कहानी में नया कहने के लिए जो हम नए तरीके से चीज़ों को आपके सामने लाकर देते हैं, वहीं हम लोग नया दिखाने की कोशिश करते हैं। तो टकराव की कहानी हम रिवील नहीं करते हैं। कुल मिलाकर एक इंटरटेनमेंट फिल्म होगी, मनोरंजन होगा आप सबका, गाने अच्छे हैं। यहाँ पे विलेंस जो है अपने अड्डे पे हीरोइन को कब्जा में ले रखा है और हीरो का इंतज़ार है कि आओ अपनी हीरोइन को ले जाओ। तो कह लीजिए कि क्लाइमेक्स चल रहा है और हम लोग उसमें अभी पिटने वाले हैं। शुरुआत में हम लोग पीटेंगे और बाद में पिटाई होगी। तो फिर एंड में क्या होता है, कौन मर जाता है, कौन बच जाता है, फिल्म का एंड क्या होता है, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक ये फिल्म बनके कंप्लीट होगी और दर्शक कब तक देख पाएंगे इसकी? ये कल इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी और एक गाना शायद बच जाता है। दशहरा तक इसको रिलीज़ करने की तैयारी है। शायद अभी संजय निषाद जी जो प्रोड्यूसर हैं फिल्म के और इकबाल बख्श जी डायरेक्टर जो हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी कि दशहरा में इस फिल्म को रिलीज़ करने की तैयारी है। और साथ में चले ससुराल की बात करें तो पार्ट टू की तो क्या कहना चाहेंगे, बहुत सक्सेस फिल्म चल रही है। अभी सीक्वल का जो दौर चल रहा है उसमें प्रतिज्ञा से शुरुआत हुई थी। प्रतिज्ञा पार्ट वन बनी, फिर पार्ट टू बनी, निरहुआ चलल ससुराल पार्ट वन बनी, पार्ट टू बनी। संजोग से इन दोनों फिल्मों में मैं था, पार्ट वन पार्ट टू में भी। तो साजन चले ससुराल पार्ट वन में मैं नहीं था, लेकिन पार्ट टू में मैं हूँ और हमारा उसमें जो कैरेक्टर है कॉमिकल अपीयरेंस होगा। फिल्म बड़ी अच्छी है, म्यूजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है पिक्चर और विकास सिंह जी ने पहली फिल्म बनाई है तो उम्मीद हम लोगों को बहुत ज़्यादा है उनसे। और आज जो मतलब कल पिक्चर रिलीज़ हुई है बिहार में, 85 सेंटर्स को रिलीज़ हुई है फिल्म, तो रिपोर्ट कार्ड तो बहुत बढ़िया है। और आज शनिवार है, आज तक का तो रिपोर्ट कार्ड बहुत बढ़िया है, इनिशियल काफ़ी तगड़ा है। तो इंडस्ट्री ऊपर जाती है तो हमें अच्छा लगता है। इंडस्ट्री की बात करें तो पार्ट वन पार्ट टू में भोजपुरी इंडस्ट्री अटकी हुई है, यहाँ से कब निकलेंगे? नहीं, हम लोग जब भी अपने सीनियर से सीखते हैं तो भोजपुरी सिनेमा अपने सीनियर्स हिंदी सिनेमा से सीखता है। तो जो फिल्में हिट हो जाती है उसके सीक्वल तुरंत घोषणा ही कर दी जा रही है, ऐसा पिछले 4-5 सालों से ही हुआ है। तो हम लोग तो शुरुआती दौर में हैं, तो जो फिल्में हिट हो गई हैं तो और पार्ट टू भी हिट हो गई ना, तो पार्ट थ्री भी बनने की तैयारी में है। मतलब कई फिल्में ऐसी भी होगी। हम समय के अनुसार बढ़ना जानते हैं और समय की जो मांग है उसके अनुसार हम लोग बढ़ रहे हैं। भोजपुरी बॉलीवुड बॉलीवुड को भी टक्कर दे के हॉलीवुड में जैसे पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बनते थे, तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी हॉलीवुड को टक्कर दे रही है? ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोगों की जो इंडस्ट्री है, बीच में हमारी इंडस्ट्री में गैप हो गया था, आप लोग को पता है भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री बंद हो गई थी। तो वो जो बंद हो गई थी इंडस्ट्री, तो जो खाई हो गई थी उसको पाटने में हम लोगों को थोड़ा समय लग रहा है। और हॉलीवुड से तो हम अभी मतलब मिला ही नहीं सकते चीज़ों को, बहुत अभी हम लोग शुरुआती दौर में हैं। बात करें, आप लोग भोजपुरी सिनेमा के जनक भी जाने जाते हैं, जैसे आप हुए और रवि किशन वगैरह हुए, मनोज तिवारी जी हुए, तो इन्होंने वो दौर देखा था जब भोजपुरी सिनेमा एकाध बनती थी, आज इतना बड़ा परिवार हो गया, कैसा फील होता है? अच्छा फील हो रहा है। 20 लाख का सिनेमा हुआ करता था, आज 2 करोड़ का सिनेमा हो गया है। दर्शक बढ़े हैं और बस परिवार को जोड़ने की ज़रूरत है। और बिहार सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने शायद पहल कर दी है, मैं शायद लगा रहा हूँ, कि भोजपुरी सिनेमा जैसे मुंबई में राज ठाकरे जी की वजह से सब थिएटर में दिखाना अनिवार्य कर दिया गया था मराठी सिनेमा को, उसी तरह से बिहार सरकार भी इस पर शायद पहल करने जा रही है या अमल करने जा रही है कि हर सिनेमा हॉल में भोजपुरी सिनेमा लगेगी। तो जब साफ़ सुथरा हॉल में जब हमारा सिनेमा चला जाएगा तो चीज़ें बदलेंगी। परिवार बढ़िया सिनेमा हॉल में अगर हमारी पिक्चर रिलीज़ होगी तो मोना है पटना में, रिजेंट है,
ये सब जगहों पे राष्ट्रीय की फिल्में लगती है। अगर भोजपुरी लगेगी तो सिनेमा हॉल के मालिक भी उसका सिलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे पारिवारिक फिल्में ही लगेगी, तो पहले से फिक्स हो जाएगा कि ये इस हॉल में लगी है तो पारिवारिक फिल्म है। तो ऑडियंस का जो दायरा है वो परिवार जब आने लगेगा तो चीज़ें बहुत बदलेगी। आखिरी सवाल चलते चलते, भोजपुरी फिल्मों का एक ये बन गया है, ऑडियंस का मूड बन गया है कि उसमें मनोरंजन तो होता नहीं फिर भी मनोरंजन कर लिया जाता है, उसमें कुछ पहल कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ बिल्कुल, मैं आपको नई जानकारी देना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने अश्लील गानों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा चुकी है। जैसे कि शराब पे पाबंदी है, उसी तरह अश्लील गानों पे भी पाबंदी है। आप बारात में भी अश्लील गाने बिहार में नहीं बजा सकते, सैलून में नहीं बजा सकते, चलती बस में नहीं बजा सकते, आप अरेस्ट हो जाओगे, अब 3 महीने का जेल हो जाएगा। जब सरकार ये पहल कर चुकी है तो एक अच्छी खबर तो आ चुकी है। अभी बहुत कम लोगों को मालूम है कि साला शब्द भी भोजपुरी सिनेमा से काट दिया जा रहा है, तो ये समय के अनुसार सब ठीक होता जा रहा है, बस हम लोगों को बने रहने की ज़रूरत है। अभी मैं बिहार में एक शूटिंग करने गया था संतोष मिश्रा जी के निर्देशन में, पहली नज़र को सलाम, तो बहुत अच्छे आदमी हैं रणजीत झा जी, जो जिन्होंने फिल्म बनाई, उस फिल्म के हीरो भी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करी। अभी हम लोग वहीं से आए तो ये जो 15 दिन का आउटडोर था हमारा मुजफ्फरपुर में, वहाँ एक चीज़ देखने को मिली जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इन बिहार बारात जा रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि बारात जो है खुशी खुशी जा रही है, दारू पिया नहीं था और गाने बहुत नेशनल एंथम टाइप गाने कुछ बज रहे थे, तो बस चले जा रहे थे और मतलब कोई डांस भी नहीं हो रहा था, तो मतलब देख के थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये सुधार है। शराबबंदी के मैं पक्ष में हूँ और बहुत चीज़ें सुधरी है और अश्लील गानों से भी बहुत असर पड़ा है, तो आने वाले समय में बस हम लोगों को बने रहने की ज़रूरत है। बाकी भगवान ने अपना काम कर दिया है, अश्लील गाने बजेंगे ही नहीं तो हम लोग बनाएंगे कैसे, बजते थे इसलिए हम लोग को बनाना पड़ता था। अब ऑडियंस हमारा शिफ्ट होगा वीणा सिनेमा से रिजेंट सिनेमा पटना मोना सिनेमा में, तो वीणा के लिए भी फिल्में बनेगी, जिनको वीणा ओरिएंटेड फिल्म देखनी है आप वहाँ जाइए, और रिजेंट और मोना मल्टीप्लेक्स जैसे जगहों पे लग जाएगी फिल्म, तो पब्लिक को भी पता चल जाएगी कि यहाँ पे कुछ क्लास की फिल्में लगती है। तो जैसा कि हिंदी में भी आप देखते हैं एक तरफ लगान जैसी फिल्में बनती हैं तो दूसरी तरफ क्या कूल है भी बनती है, और वो कौन हीरोइन है जो फॉरनर है वो सनी लियोन की फिल्में भी लोग देखने जाते हैं, और दूसरी तरफ एक अच्छी फिल्म भी बन जाती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की मांझी। तो सिनेमा 2 तरह का 3 तरह का से बनती रहेगी, ऑडियंस को चूज़ करना पड़ेगा कि हम किसको देखना चाहते हैं, और सबके लिए मटेरियल होगा। आखिरी सवाल चलते चलते, ऑडियंस जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, आगे भी देते रहे ऐसा अपील करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस है तभी हम हैं, और आप लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहें। आप लोग बहुत अश्लीलता झेल चुके हैं, अब हम लोग एक प्रोसेस के तहत उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। बस दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग बने रहिए, कुछ अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ किस फिल्म का शूटिंग हो रहा है और क्या पिक्चराइजेशन किया जा रहा है, सीन की बात करें तो क्या सीन चल रहा है? सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को संगीता तिवारी की तरफ से प्यार फिल्म भी बनती है, और वो कौन हीरोइन है जो फॉरनर है वो सनी लियोन की फिल्में भी लोग देखने जाते हैं, और दूसरी तरफ एक अच्छी फिल्म भी बन जाती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की मांझी। तो सिनेमा 2 तरह का 3 तरह का से बनती रहेगी, ऑडियंस को चूज़ करना पड़ेगा कि हम किसको देखना चाहते हैं, और सबके लिए मटेरियल होगा। आखिरी सवाल चलते चलते, ऑडियंस जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, आगे भी देते रहे ऐसा अपील करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस है तभी हम हैं, और आप लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहें। आप लोग बहुत अश्लीलता झेल चुके हैं, अब हम लोग एक प्रोसेस के तहत उससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। बस दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग बने रहिए, कुछ अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। मेरा नाम है ध्रुव सिंह, हम टकराव फिल्म कर रहे हैं, हमारे चोर मंडली है,
मतलब कि एक बहन है और दो बहन है और एक भाई है और एक मैं हूँ और एक हमारे भैया है, तो हम सब मिल के टकराव फिल्म बना रहे हैं, आप लोग ज़रूर देखना मेरा। तो चोरनी की बात करें तो चोरनी टीम में आप क्या कर रहे हो, मतलब उसका साथ निभा रहे हो? हमारी टीम में मतलब कि हमारे जो भैया है वो हमको नहीं पहचानते रहते, तो एक दिन ऐसा रहता है हम लोग को भूख लगी रहती है, हम लोग कभी निकाला है, कभी निकाला है। हाँ, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आ रहा है? नहीं, काम नहीं आ रहा है। और आपकी टीम मंडली में कौन कौन इंट्रोड्यूस कराओ? मेरे टीम मंडली में मेरी बहन है। क्या नाम आपका, नाम बताओ। मतलब कैसा किरदार है आपका, अगर किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार इसमें निभा रहे हो? जहाँ तक हमारे सूत्रों से खबरें मिली है कि आप चोरनी का किरदार निभा रहे हैं, तो किसके किसके पर्स उड़ाए हो आप लोगों ने अब तक अभी तक, और कैसा रहा ये पूरा? इधर कैमरा देख के बोलिए। ये जो बोला था भैया का ही पर्स चुराया हमने। इसका ही पर्स चुराया? अच्छा, कैमरा देख के बोलो बाबू। अच्छा, तो संगीता जी की बात करें तो संगीता जी के साथ कैसा रहा तुम लोगों का केमिस्ट्री? संगीता जी कितनी कॉपरेटिव हैं आप लोगों के? चोरी करने में कितनी मदद की है उन्होंने, संगीता जी ने? उन्होंने हमको चोरी करना सिखाया है। कितना चोरी करना सिखा फिर आपने? अब तक कितना पैसा चुराया है? 3,070 रुपये। अच्छा, तो ये पैसे क्या किया आपने, जो पैसा चुराया आपने? खाना खाया। अच्छा, आप इधर इधर सादे पैसे से चिकन लिया, चिकन खाए, बहुत मौज मस्ती किए, अच्छे से हमने शूटिंग करवाया अपना, अच्छे से किया। ध्रुव, तुम्हारे पापा भी पीछे हैं, सुन रहे हैं सब? देख रहा हूँ। अच्छा, कैसा फील कर रही है ये फिल्म करके, कैसा फील कर रही है? मेरे को फील बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत मजे भी आए करने में, अभी और एक दो दिन है और भी मजे आएंगे और ऐसे ही आते रहेंगे। और आगे कोई फिल्म कर रहे हो आप? हाँ, आगे एक फिल्म है लोहा पहलवान, और उनके डायरेक्टर हैं इकबाल बख्श, प्रोड्यूसर संजय निशान। आप बताओ, मतलब आपके पापा जी जो डायरेक्टर हैं इकबाल बख्श जी, उनको देखकर कितना, हाँ, तो क्या कहना चाहोगे आप, जो है पापा से कितना सीख रही हो, चोरी करना या शूटिंग करना? शूटिंग करना। शूटिंग वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, जब वो चिल्ला रहे तो मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाता है। डांटे कभी शूट पे, सेट पे कभी डांटे आपको? चिल्लाए थे? हाँ, बहुत बार चिल्लाए। जब हमारी दीदी किडनैप हो रही थी, जब डांटते हैं तो आपको? जब हमारी दीदी किडनैप हो रही थी मैं बहुत हंस रही थी, तो चिल्लाया तो लास्ट मोमेंट में अच्छा की। कितना सीख रहे हो आप एक्टिंग सीख रहे हो? हाँ, और एक मैं फिल्म में शूट करूँगी, वो भी लोहा पहलवान है। आप भी कर रहे हो लोहा पहलवान, उसमें भी चोरनी का किरदार है? नहीं, उसमें घर में कितने पैसे चुराए हो? कितने? सिर्फ फिल्मों में चुराए हो? अब तक कितना पैसा चुरा चुके हैं, जब से शूटिंग शुरू हुआ तब से अब तक? 3,370। उससे आगे नहीं बढ़े हो? नहीं। क्यों? चलो, सिर्फ वही रोल मिला है, वही अच्छा रोल मिला इसकी वजह से। बेटा, तुम्हारा नाम बताओ और किस प्रकार का किरदार है आपका, और संगीता जी के साथ काम करके कैसा फील कर रहे हैं? हाय, मेरा नाम है यश पांडे और मेरा किरदार है चोर का। मेरी बहन है चोर में, और मेरा ये भाई और एक और भाई है। तो सारे भाई सब ऐसे ही है क्या, भाई बहन सब ऐसे ही है सब? वो हमारी दीदी हमें पढ़ाने के लिए चोरी करती है, तो हम लोग भी उनकी मदद करते हैं ताकि हम लोग भी पढ़ सकें। हम लोग अब तक उनका, हमारे भैया का चुराए है पर्स, जो कि हमारे पीछे हमेशा पूरे सीन में लगे हुए हैं। वो नहीं बनने दिया तो बोले पढ़ाई करो। पढ़ाई भी करूँगा, एक्टर भी बनूँगा। पक्का? पक्का। अब आप क्या कर? एक्टर, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनोगे, तो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई भी करोगे और एक्टिंग भी करते रहोगे। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6। क्या ऑडियंस के क्या कहोगे फिल्म को लेकर के? ये पिक्चर आप लोग जरूर देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और आगे जो फिल्म है ये वो भी देखिए जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। एक विजुअल ले लीजिए, तीन लोग ऐसे बैठे रहिए आप लोग, विजुअल ले लीजिए।